जी, तो हम आ गए कहाँ हैं, बिफोर ऑपरेशन। 10 बजे तक मेरा जो है फास्टिंग है, तो 10 बजे से पहले पहले मुझे खाना खाना है, तो मुझे मेरी फरमाइश पे मंदी खिलाने लाए हैं। अरे कल जो है 10 बजे, सुबह 6 बजे मेरा सी सेक्शन है, और अभी जो है 8:30 हो रहे रात के, और हम अरेबियन मंदी आए। मैंने अच्छा होना है, वहाँ सुबह आके उसमें बैठना है, रेहान में बैठना है, अलखोर में, इट्स अप टू यू। वाकरा पूरे कतर के एरिया का, उन्होंने लूसेल सभी हम गए हुए थे किसी काम से जरूरी, वो कवल जब हो जाएगा कवल बताइए अपने व्लॉग में, ठीक है। तो वहाँ से अब जो है मुझे याद आया 10 बजे मेरी फास्टिंग स्टार्ट है, सुबह 6 बजे मुझे ऑपरेट के लिए जाना है। तो मैंने कहा मुझे बाहर से खाना खाना है तो मंदी खानी है, तो हम आ गए अरेबियन मंदी। चले अच्छा, टेंशन होती है लेकिन मुझे इतनी नहीं होती, मैं अपने आप को चिल कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। स्पाइसी ना हैप्पी अबान, भूख की वजह से रो रहा था, भूख की वजह से रो रहा था, गाने की ड्रैग गा रही है मैं खाने के लिए। ओके चलो ठीक है, मेन्यू उठा के दो अबान, मैं देखूं क्या है। सुन बताओ मम्मा, डॉक्टर कहाँ आए हैं हम लोग? सुन लो मंडी, कल क्या होगा, कल क्या होगा ये तो बताओ, कल के लिए डर लग रहा है। बीबी आने वाले, कमेंट में बताएगा ये बॉय एंड गर्ल है। ओके खाने में क्या क्या है? खाने में कोई मजेदार है, इसे उगा ले आपके लिए, सूप सूप होगा मेरे लिए। गरम गरम यहाँ से खोलो, ये हमारे ब्लेंडिंग है, हैंड है, स्टार्ट है ना, यहाँ से खोलो, रोल है, जो ओल्ड हाउस में गाते थे ये वो है, उमर कुनाफा भी है मम्मी, वो है जो वो है, ये जो वो है आप जो ओल्ड हाउस में खाती थी, कुनाफा होली बोर्ड, आई लव कुनाफा राइस राइस। वो दुआ पर मांग रही मेरी, वो तो नमाज है, बिरयानी भी है जी, ऐड अ राइस डिश, ये जबरदस्त। देखो ये मुर्गी, ओके चिकन लेग पीस, मोर चिकन ना शुरू होता है, आपको पता है ये एंडिंग है, ये एंडिंग के पीछे आती है, ओके ओके ये एंडिंग में आती है ना, हाँ हाँ भूल गई, भूल गई थी, भूल गई, तस्बीह पढ़ रही है, मेरी जान दुआ करो, उमर बैठे ना है, शाबाश शाबाश मेरा बेटा, चलो दोनों मेरे लिए दुआएं करो, दो मंदी बहुत है, आपको खाने दो, अपने लिए मंगवा लो, हमें तो नहीं खाना, टेबल लगा हुआ, जैसे आपका दिल लेट के दुआ पढ़ो, देर लेट के नमाज पढ़ो, तस्बीह पढ़ो। मम्मा मैंने यहाँ तक पढ़ लिया, कितना पढ़ लिया? 2,900,000 9 बजने वाले हैं, 1 घंटा मेरे हाथ में, मैं जो खा सकती हूँ 1 घंटे में खा सकती हूँ, बहुत भूख लग रही है, माशाल्लाह, अल्लाह अकबर की तस्बीह पढ़ो, अल्लाह अकबर,
नेक औलाद है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल माशाल्लाह मेरी बेटी लेकिन बोलूंगी अब कानों में जाए। हाँ जा रही है उसके कानों में। तो जी जनाब, हमने दो किस्म की मंदी ऑर्डर की थी, एक मसाले वाली और एक सादी। दोनों ही बहुत मज़ेदार बेहतरीन थी, बड़ा मज़ेदार जायका था। और वैसे भी फास्टिंग के चक्कर में ना मैंने बहुत ओवर ईटिंग कर ली थी और मुझे था कि बस मैंने अच्छे से खाना है, उसके बाद चाय की फरमाइश की और चाय पी। अब मिलेंगे हम आपसे सुबह। मॉर्निंग हो गई है, 6 बजे पहुँचना है, 6 बजने में 10 मिनट रह गए हैं और मैं व्लॉग बना रही हूँ। मैं कह रहे हैं अब इसका भी व्लॉग बनाओगे तो चलें अब हॉस्पिटल पहुँचते हैं और वहाँ मिलते हैं। सो जी जनाब, फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी लोकेशन और अल्हम्दुलिल्लाह ऑन टाइम पहुंच गए। अब जो है मेरे दिल की धड़कनें होने लगी हैं बहुत तेज़, लेकिन मैं अपने आप को रिलैक्स कर रही हूँ कि रिलैक्स हो जाएगा, ये टाइम भी गुजर जाएगा और बस अपने आप को खुद ही बंदा रिलैक्स कर सकता है। मैं समझती हूँ अपनी साई को हम खुद ही समझते हैं, जितना टेंशन लेंगे ना उतनी जो है दिल की धड़कनें तेज़। तो रिलैक्स कर रही थी मैं अपने आप को। हम आ गए हैं अलवाकरा हॉस्पिटल, ये हमद हॉस्पिटल है और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा और बड़ा बना हुआ है, ज़बरदस्त। और अभी हमें जाना है एडमिशन डिपार्टमेंट में, वहाँ जो है अपना हेल्थ कार्ड दिखाऊँगी मैं और जो है फिर वो मुझे जो है एडमिट कर लेंगे। उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा मुझे खुद नहीं पता, साथ साथ रहिए और चलते रहिए। कई जगहों पे ऑब्वियसली वीडियो मैं खुद भी नहीं बनाऊंगी क्योंकि कुछ ज़ाहिर है हर चीज़ जो है ओपन नहीं करते, कुछ प्राइवेसी का भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ये है कि आप सबकी आसानी के लिए जो कतर मूव होना चाहता है तो उनकी आसानी के लिए थोड़ी थोड़ी मैं डिटेल देती रहूँगी। तो जी मैं एडमिट हो गई हूँ, मुझे वार्ड में शिफ्ट कर लिया गया है और जो है कवल और उमैर इनको अलाउ नहीं है अब यहाँ पे आना। मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए हैं, एडमिट होते हुए इन्होंने 200 रियाल चार्ज किए हैं। अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वी आर ब्लेस्ड विद द बेबी। जेंडर आपको पता चल ही गया होगा, नहीं पता चला तो इंतज़ार फरमाइए। और अब इनको अलाउ किया है कि आके बेबी से मिल लें, लेकिन मेरी कंडीशन सही नहीं थी, कुछ हुआ था मेरे साथ, वो सब नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस को जो है कंटिन्यू रखना है, मेरे बारे में जानना है कि मेरे साथ क्या हुआ था और बेबी का जेंडर जानना है कि कौन बेबी गर्ल हुई है बॉय, तो मेरे साथ रहिए और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की हर अपडेट मिलती रहे आपको। अल्लाह का शुक्र है सेहतमंद औलाद से नवाजा। तो जी इसी के साथ वीडियो को करती हूँ एंड, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।